सीनियर अदाकारा सवेरा नदीम की डॉन आइकॉन मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू की तस्वीर वायरल हो गई, जिन्हें देखकर शायकीन अदाकारा की खूबसूरती की तारीफें किए बगैर ना रह सके। सवेरा नदीम की तस्वीर 30 जून के डॉन आइकॉन मैगजीन की जीनत बनी थी, जिनमें अदाकारा की फिटनेस और खूबसूरती देखकर शायकीन दंग रह गए, जबकि अदाकारा की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अदाकारा ने डॉन आइकॉन को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि इन्होंने 15 साल कबल खामोशी से शादी कर ली थी। वो अपनी जाती जिंदगी और अहले खाना की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करना पसंद नहीं करती। अदाकारा का कहना था कि यहां तक कि इन्होंने अपनी शादी की तस्वीर और वीडियोस तक शेयर नहीं की थी, जबकि आज तक कभी इन्होंने अपने बेटों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की। सवेरा नदीम का कहना था कि अगरचा वो शोबिस से ताल्लुक रखने वाले घराने में पैदा हुई और इनके वालिद भी यानी शाहिद नदीम लिखारी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके बच्चे और शोहर इनकी तरह जिंदगी गुजारने के आदि नहीं, वो इन्हें शोबिस की दुनिया से दूर रखती हैं। अदाकारा ने बताया था कि इन्होंने कम उम्र में 15 वर्ष की उम्र में थिएटर से अदाकारी का आगाज किया था और पाकिस्तान टेलीविजन यानी PTV पर मकबूल ड्रामा देने की वजह से इन्हें शोहरत मिली। एक सवाल के जवाब में इन्होंने इंकशाफ भी किया था कि मकबूल ड्रामा मेरे पास तुम हो में अदनान सिद्दीकी की अहलिया का किरदार अदा करने का इनका किरदार मुख्तसर था, लेकिन बाद अज़ा इनके किरदार को कुछ बढ़ाया गया। इन्होंने बताया कि पहले सिर्फ इनका एक सीन ड्रामे का हिस्सा था, लेकिन मस्कूरा मंजर वायरल होने के बाद इनकी मजीद मनाजिर भी शामिल किए गए। सवेरा नदीम की डॉन आइकॉन में शाया फिटनेस की तस्वीर वायरल हो गई और सोशल मीडिया सार्फीन ने जायदुल उम्री में इनकी फिटनेस की तारीफें करते हुए इन्हें खूबसूरत करार दिया।